नमस्कार, मैं सीता ठाकुर, आप देख रहे हैं वीएससी एक्सप्रेस न्यूज में आज की खास खबरें। दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने छठ पर्व को लेकर शहर के तालाबों के चारों ओर गैंग लगवाकर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। दुर्ग में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने अधिकारी और कर्मचारियों को दिलाई शपथ। दुर्ग में विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किया नमन। दुर्ग में कुछ असामाजिक तत्वों के घर के सामने खड़े 3 वाहनों पर लगाई आग, 2 झुलसे। भिलाई के पूर्व क्रिकेटर को राजनीति में एंट्री, राजेश चौहान ने प्रोफेशनल कांग्रेस की सदस्यता ली। दुर्ग में महादेव घाट की तरह विकसित होगा महमरा घाट, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। आज से खुल गई कुम्हारी फ्लाई ओवर ब्रिज, शाम 4 बजे से 7 बजे तक लोग कर सकेंगे सफर, हैवी वाहनों पर रोक। मुख्यमंत्री ने दीपावली के त्योहार के पहले प्रदेश के 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की देगी सौगात। दुर्ग में रिफ्रेशर कोर्स कर रहे जवानों के बीच पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। राजनांदगांव में महिला कांग्रेस की महासचिव विभा साहू ने कहा, ग्रामीण युवाओं में प्रतिभा की भरमार, युवाओं को निखार रही है भूपेश सरकार। भिलाई में मोपेड सवार दंपत्ति को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला पहिए के नीचे आई, मौके पर ही मौत। राजनांदगांव में अंधे कत्ल की 30 घंटे में हुआ खुलासा, नौकर ही निकला हत्यारा। भिलाई में सस्ती दवा मिलने से दिव्यांग युवक रेगुलर कस्टमर बना, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का। कांकेर में पूर्व सरपंच का घर से मिला लाश, बड़े बेटे पर हत्या की आशंका। अंतागढ़ शिवसेना द्वारा पूरा प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर किया जन आंदोलन प्रारंभ। खंजूर में कोविड-19 से मृत लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए शासन के द्वारा सहायता राशि मिली। पखांजूर तहसीलदार ने शिकायत पर शासकीय राजस्व भूमि पर अनाधिकृत कब्जा को हटाया। पखांजूर में सीमा सुरक्षा बल 132वीं वाहिनी ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। पखांजूर में पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर जिला स्तर में झंडा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्टार फाइटर्स में भर्ती के लिए निशुल्क प्रशिक्षण, अंतागढ़ में 600 से अधिक बच्चे ले रहे हैं प्रशिक्षण। धन्यवाद, यह थी आज की खास खबरें वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज।